हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजुम हेयर। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मेरी ढेर सारी दुआएं हमेशा ही आप लोगों के साथ हैं। तो गाइस, ये है ये अजमेर के अना सागर का वीडियो, और ये मैंने अजमेर के साथ नहीं डाला था क्योंकि वो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है इस वजह से। तो ये मैंने अलग सेपरेट डाला है, और ये अना सागर। तो गाइस, यहाँ पर बहुत सारे लोग फोटोशूट करा रहे थे, तो हम लोग ने भी कराया था, तो ये वीडियो वहीं की है। तो गाइस, लाइफ में थोड़े बहुत खुशियों के पल जो होते हैं उनको संभाल के रखना चाहिए, उनको खुशी के साथ जीना चाहिए। वही आपको जो अब आपके डाउन्स होते हैं या आपकी जो परेशानियां होती हैं उसमें एक यादें बनकर और आपका सपोर्ट बनकर आपको हिम्मत देते हैं और फिर से खड़ा होने की ताकत देते हैं। तो गाइस, यही वो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, यही वो पल होते हैं जो ज़िंदगी के हमारी परेशानियों में हमारी हिम्मत बंधाते हैं और हमें फिर से खड़ा होने की हिम्मत भी देते हैं और परेशानियों से लड़ने की भी हिम्मत देते हैं। तो इन पल खुशियों के पल को हमेशा संजो कर रखें और इनको पूरे खुले दिल के साथ इनका स्वागत करें और खुले दिल के साथ इनको जिएं। तो गाइस, ये है अना सागर अजमेर का, जहाँ पर हम लोग ने फोटोशूट थोड़ा बहुत करवाया था। उसके बाद हम लोग लौट आए थे वहाँ से, और ये है हमारा होटल का लास्ट खाना जो कि हमने जयपुर में खाया था। तो ये जयपुर का होटल का सीन है। तो इसके बाद हम लोग फिर लखनऊ लौट आए थे, तो यहाँ पर हम लोग मस्ती और एंजॉय करते हुए। तो गाइस, मैंने आपसे जयपुर के बहुत सारे मार्केट शेयर किए, लेकिन इत्तेफाक से फल लेने हम गए थे तो हमने सोचा लो सब्ज़ी और फल मार्केट भी जो है आपसे शेयर करते हैं। यहाँ पर सब्ज़ी और फल मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत बड़े एरिया में लगता है और हर तरह की ताज़ी ताज़ी सब्ज़ियाँ और फल यहाँ पर मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा लो एक क्लिप इसकी भी बना लें जो आपके ऐसे आपके शेयर करते हैं कि देखिए आपके शहरों के जैसा ही यहाँ का भी सब्ज़ी और फल मार्केट है। जैसा हम लोगों के शहरों में होता है वैसा ही मार्केट सेम है। तो गाइस, किसके किसके शहर से ये मार्केट रिलेट कर रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद गाइस, हम लोग ने चलने की तैयारी कर ली थी वापस लौटने की, तो यहाँ पर पैकिंग हो गई थी लगभग, और पैकिंग होने के बाद यहाँ पर सब लोग थोड़ा थोड़ा सा आराम कर रहे थे क्योंकि उसके बाद लंबी जर्नी थी। तो ये सब हम लोगों की पैकिंग गाइस हो गई है, और ये होटल का रूम है जहाँ पर हम लोग रुके थे। और यहाँ से लौटने का सबसे ज़्यादा अफसोस जो था वो बच्चों को था, क्योंकि बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो बच्चे जो थे वो चाह रहे थे अभी और रुका जाए, थोड़ा और रुकें, और क्योंकि उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा खुशी आउटिंग की बच्चों को ही होती है, तो ये बच्चे अभी थोड़ा आराम करते हुए। तो गाइज, हमने जैसा कि पहले भी बताया था कि हमारी ये छोटी सी ट्रिप, छोटी सी आउटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ेदार रही हम लोगों की ये ट्रिप। और तो गाइज, हम लोगों का रात का सफ़र था और हम लोग शाम को निकल आए थे बस अड्डे के लिए, क्योंकि हम लोगों का बस का सफ़र था, बस से ही जाना था। तो गाइज, ये हम लोग बस पे बैठ गए हैं, ये है हमारा छोटा सा केबिन बस में, और उसके अलावा ये सफ़र तो बहुत आराम। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं, और सुबह के 6:30 बजा है, और यहीं से जो है जल्दी घर पहुंचने के बाद सीधे मुझे अपने स्कूल जाना था क्योंकि ड्यूटी थी। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग मॉर्निंग में लखनऊ पहुंच चुके हैं, और सुबह के बजे थे 6:30, और मुझे यहाँ से घर जाकर सीधे अपने स्कूल के लिए भागना था। तो इस तरह से ये जर्नी हमारी यहीं पे ख़त्म हुई, और इसके अलावा नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।